हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 9 करेंगे हिंदी की, जो कि है क्लास 9 की। इसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वे अभिकारी शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि बहु एक उपसर्ग है, इसको जोड़कर हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन, बहुज्ञ और बहुसंख्या। उपसर्ग का अलग से कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, अतः उनका कोई अलग अर्थ भी नहीं है, पर शब्द निर्माण करने में वे अपना एक विशेष अर्थ बनाते हैं। यानी उपसर्ग कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते, ये ना इनका कोई अलग अर्थ होता है, ये शब्द जब निर्माण होता है तो एक अलग सा अर्थ बनाते हैं। अब हमें कुछ शब्द दिए हैं, कुछ उपसर्ग दिए हैं, हमें इन उपसर्ग का प्रयोग करके दो चार शब्द बनाने हैं इन उपसर्ग से। पहला सु से सुविचार, सुकुमार, सुगम और सुलभ। इसी तरह से परिणाम, परिजन, परिवार और परिमा। अप से अपयश, अपमान, अपशब्द और अपवाद। उप से क्या क्या बन सकते हैं? उप से उपासना बन सकता है, उपदेश, उपकार और उपवास। तो इस तरह से ये थी उपसर्ग की वर्कशीट। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।